हेलो गाइस, आज मम्मी ने बड़ी टेस्टी सी रेसिपी बनाई है। और मम्मी ने ये आटा, चावल का आटा, अच्छे से मम्मी ने गरम करने के लिए, मतलब वो आटा मिक्स करने के लिए रखा। मम्मी ने 15 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स हो रहा है ये आटा, और मम्मी ने ये गरम पानी में गूंदा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मम्मी ने मिक्स किया। और देखिए कैसे मम्मी कर रही है, रेसिपी बना रही है, राइस के आटे की पूड़ियाँ बना रही है मम्मी। और ये अच्छे से राइस के आटे को पीस के मम्मी अच्छे से छान के रख रही है, तभी काफ़ी टाइम चल जाए, इसलिए मम्मी ने अच्छे से बना के रख दिया रेसिपी। और ये मम्मी अच्छे से मेरे लिए आटा गूंद रही है, मतलब देखिए राइस का आटा कैसे गूंदा जा रहा है। अच्छे से पानी डाल के, गरम और ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स हो रहा है ये आटा। देखिए किस टाइप से मम्मी ने गूंदा है, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना वैसे ही। ये हरी मिर्च का अचार था गाइस, ये टमाटर आलू को अच्छे से मम्मी मिक्स कर रही है। देखिए कद्दूकस, मतलब हाथों से अच्छे से किया है। ये टमाटर मम्मी कर रही है, और उसके अंदर नमक डाला, गरम मसाले डाले और अदरक डाली, काफ़ी कुछ डाला है मम्मी ने। बड़े चटपटे बनाए आलू की सब्जी, और मज़ा ही आ गया खा के तो, यम्मी। मुँह में तो पानी आ गया था गाइस बनाते बनाते ब्लॉग। ये अभी आलू डाले हैं मम्मी ने, देखिए अब आलू को अच्छे से मिक्स किया जाएगा। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है, अच्छे से मिक्स कर दिया हम लोगों ने। देखिए देखने में रंगत कितनी प्यारी है। वाटर डाला है मम्मी ने 1 कटोरी, जितनी पतली रखनी है ना मैं उतना पानी डालना होगा। ये हरी मिर्ची का अचार है, बड़ा टेस्टी बनाया है नमक वाला। ये मम्मी बना रही है राइस के आटे की पूड़िया पन्नी में रख के, तभी टूटे ना, तभी ये आटा टूट जाता है ऐसे बनाओगे तो। जल्दी बनाने का तरीका है कि पन्नी में डाल के बना लो, टूटेगा भी नहीं, और सॉफ्ट हाथ से बनाइएगा। और कढ़ाई में अच्छे से इसे फ्राई किया जा रहा है पूड़ी को, देखिए किस तरीके से बना रहे हैं, अच्छे से करंची करंची हुई थी बड़ी पूड़ी, और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट थी, बड़ा मज़ा आ गया खा के गाइस, सच में यम्मी। मेरे मुंह में तो पानी आ गया था ब्लॉग बनाते बनाते। और आप तो खा जरूर बनाना अपने घर में, और कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने बनाई हो खाई। सचमुच ये पूड़ी बड़ी यम्मी थी, वाओ। देखिए कैसे फूल रही है, देखा आपने, राइस के आटे की पूड़ी फूली थी अभी हमारी। देखिए कितनी प्यारी है पूड़ी, आलू की सब्जी और हरी मिर्च का अचार। आज मम्मी ने बड़े टेस्टी से, मतलब राइस के आटे की पूड़ियाँ बनाई, बहुत टेस्टी बनाई, और ये टेस्टी टेस्टी खा के मज़ा ही आ गया। आज राइस के आटे की थी वो पूड़ी, और आलू की सब्जी बनाई मम्मी ने, और बहुत यमी यमी था, मज़ा ही आ गया खाना खा के आज। मैंने कहा मम्मी आज तो बहुत ही टेस्टी बनाई है आपने पूड़ी, और गाइस आप भी बनाइएगा ये पूड़ी, बहुत टेस्टी है। और मम्मी शायद आपको रेसिपी बताएगी, नहीं तो मैं खुद से बताऊंगी आपको ये सब रेसिपी। और मेरा ये ब्लॉग देखना, और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और सच में बड़ी यम्मी थी आप, सच में कहोगे क्या बात है, खा के मज़ा ही आ गया आज। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करिए।